खास नहीं है, 30-32 साल की हूँ मैं, फिर भी इतना मतलब ऐसा वो नहीं था, दौर नहीं था कि जिसमें मतलब मुझे कुछ मिल ना सके, क्योंकि लड़की समझते थे और मतलब गांव गांव का सब सोच, तो मेरे माँ बाप का भी वही सोच था कि लड़की लोग को रहती हुनर कोई रहता तो मैं ऐसे बैठे थोड़ी रहती, मैं भी है ना बाहर निकल के है ना मैं भी क्या बोलते कुछ करके दिखाती और अपने बच्चे लोग के लिए करती। तो वही मैं सोचती हूँ ना कि ऐसी लाचारी में ना मेरी बेटी लोग ना रहे, पर मैं वो सोचती हूँ ना कि जो मैं नहीं करी ना वो मेरी लड़की लोग करे, पढ़ाई में भी आगे रहे, खेल कूद में भी आगे रहे। मेरा नाम सायमा और मेरी एज 40 है। सुबिया दीदी आए थे तो वो आके मेरे से बात किए कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, लड़की लोग को मतलब आगे बढ़ना चाहिए खेल कूद के लिए और कोई भी चीज़ की जानकारी के लिए, ऐसे तो गली में और इधर आप भेजते नहीं है ना खेलने के लिए, तो उधर एक मौका मिलेगा लड़की लोग को खेलने के लिए। तो क्या बोलते वो सब बात किए तो मैं बोली ठीक है मेरी लड़की का नाम ले लो। मेरे अम्मी अबू की सोच मैं सोचती ना जितने हैं ना उससे सबसे अलग है। कोई कोई सोचता है कि अब लड़की लोगों को खेलना नहीं चाहिए, लड़की खाली चूल्हा चौका करने के लिए बनी, मेरी मम्मी लोग की सोच बहुत अलग है। तो ये प्रोग्राम का अच्छा लगता है, बाहर जब निकलेंगे तभी तो इंसान मतलब बच्ची रहे या आदमी रहे कोई नॉलेज तो पढ़ाई लिखाई से बाहर निकल के लोगों से मिल के बात करके तभी होता है। मेरी बेटी है ना पढ़े जहाँ तक का उसको पढ़ने का है, जो सीखने का है खेल कूद और जो भी कुछ उसको हुनर चाहिए मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, सब लड़की लोग का रहता है तो जब तक मेरे पास है जब तक तो अच्छे से खेले कूदे और खुल के रहे। मैं जैसे हमारे जो मुसन्निफ होते वो अपने घर के बारे में लिखते हैं या जो आस पड़ोस देखते वो सब के बारे में, तो मुझे भी कहानी पढ़ना कहानी लिखना और बहुत अच्छा लगता है। मैं अलग अलग जो चीज़ देखती ना वो चीज़ उस कहानी में मिक्स करूँ। मैं पहले ऐसी चीज़ें जब अपनी माँ के ऊपर लिखूँगी मेरी माँ कैसी है और कौन कौन सी चीज़ में मेरी माँ बसी रहेगी वो।